हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्रिकेट की 10 बड़ी खबरें। तो बिना देरी के हुए वीडियो तो शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बड़ी खबर यह है कि नेथन लायन चोट के कारण नेशनल सीरीज से बाहर हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि टॉड मर्फी नेथन लायन को रिप्लेस करेंगे एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमोल मजूमदार इंडियन वुमेन्स टीम के नए हेड कोच होंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि दम्बुला क्रिकेट स्टेडियम होस्ट करेगा इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप के मैच को। पांचवी बड़ी खबर यह है कि ब्रेन लारा ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट कैंप को ज्वाइन कर लिया। भारत के खिलाफ होने वाले सीरीज से पहले वे बतौर परफॉर्मेंस मेंटोर टीम के साथ जुड़े हैं। छठी बड़ी खबर यह कि वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल यूएसए में बेसबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर की बात करें तो सातवीं बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया के प्लेयर टेस्ट सीरीज से पहले वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में। आठवीं बड़ी खबर यह है कि एबी डिविलियर्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके क्रिकेट करियर में जसप्रीत बुमराह, शेन वॉर्न और राशिद खान सबसे टफेस्ट बॉलर लगे। नौवीं बड़ी खबर यह है कि इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज सीरीज के टाइमिंग की बात करें तो टेस्ट सीरीज का पहला सेशन 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेशन 10:10 से 12:10 के बीच खेला जाएगा। वहीं तीसरा सेशन 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच खेला जाएगा। वनडे मैच 7:00 बजे से और T20 मैच 8:00 बजे से शुरू होगा। दसवीं बड़ी खबर यह कि इंडियन टीम टेस्ट सीरीज से पहले 2 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।